हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी में गहराया जल संकट, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हुई जनता, सरकारी दावों की निकली हवा। जैसे जैसे गर्मी अपने शबाब पर पहुंच रही है वैसे ही जल संकट गहराता जा रहा है और जनता पानी के लिए लगातार परेशान होती दिख रही है। आज जब जब हमने लोगों के बीच पहुंचकर सरकारी दावों की हकीकत जानने की कोशिश की तो इन दावों से हवा निकलती नजर आई और लोग गर्मी के में पानी के लिए जद्दोहद करते देखे गए। कौन से नगर में कई जगह हैंडपंप खराब पड़े हैं और पालिका परिषद द्वारा जो वाटर कूलर लगाए गए हैं वह भी धाराशाही होकर अपनी जगह छोड़ चुके हैं। लोगों ने बताया कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी बजट का रोना रोते हैं और जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रही है। ऊपर से बढ़ रही गर्मी के कारण अब जल संकट गहराता जा रहा है। जालौन से ब्यूरो चीफ कृष्णकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुत समस्या है, पानी की समस्या बहुत है। अगर नलों जो हैंडपंप खराब है मंदिर वालों और पानी की दिक्कत पड़ रही है, आम जनता को पानी की दिक्कत पड़ रही है और गर्मी के कारण बहुत पानी की प्यास ज्यादा बढ़ी है। गर्मी चल रही है तो पानी की क्या समस्या है? पानी की तो बहुत समस्या है। जो नलों से जो पानी आता है वह दूषित पानी आता है, चाहे उसको आप सुबह खोलें दोपहर में खोलें चाहे शाम को खोलें, हमेशा पानी के साथ सीवर का और नाली का गंदा पानी आता है। और जो मोहल्ले में चौराहे पर जो हैंडपम्प लगे हुए हैं उन वो भी ख़राब पड़े हुए हैं, पानी नहीं देते हैं। और चंदकुआ चौराहे पर एक वाटर कूलर लगा हुआ था जिससे आसपास के सभी दुकानदार उससे पानी पिया करते थे, लेकिन प्रजन स्थिति में उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पर है। सिर्फ देखने के लिए जगह खाली पड़ी हुई है। पानी का कह रहे आपने बुला रखा था दूसरे घर में? हम लोगों को पीने के लिए दूर दूर से पानी, जहाँ भी हैंडपम्प सही मिलता है वहाँ से पानी लाना पड़ता है, तब जाके हम लोग अपने पानी की व्यवस्था करते हैं। तो अधिकारियों को शिकायत भी होगी? इससे हमने अधिकारियों से शिकायत की है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है कि शासन से बजट आएगा तो हम काम करेंगे। इसकी फिर हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन भी शिकायत की लेकिन वहाँ भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई।